एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर एक ही तरह की फिल्मों में काम करना बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं। इसलिए उनके फिल्मोग्राफी पर अगर एक नज़र डालें तो वो अब तक कई मुद्दों पर आधारित फिल्मों में काम कर चुकी हैं, चाहे वो डांस ड्रामा हो, इंटेंस एक्टिंग हो या फिर कॉमेडी ही क्यों ना हो। वही श्रद्धा अब अपनी आने वाली फिल्म साहू के लिए सुर्खियों में बनी हुई है, जहां वो गंभीर भूमिका निभाती नजर आएंगी। साहू में श्रद्धा के किरदार से जुड़ा एक पोस्टर रिलीज हुआ है, जहां उनका बेबाक अंदाज दिख रहा है। एक विलेन एक्ट्रेस ने खुद अपने ट्विटर और इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए साहू के पोस्टर रिलीज होने की जानकारी दी है और इस पोस्टर के साथ ये भी बताया गया है कि फिल्म का टीजर 13 जून को रिलीज होगा। वहीं इस पोस्टर पर श्रद्धा कपूर हाथों में बंदूक लिए खड़ी हैं और उनके चेहरे पर गुस्सा दिख रहा है। आपको बता दें, साहू में श्रद्धा के साथ साथ साउथ के सुपरस्टार प्रभास, नील नितिन मुकेश, जैकी श्रॉफ, मंदिरा बेदी, एवलिन शर्मा, चंकी पांडे और महेश मांजरेकर जैसे कलाकार भी दिखेंगे। फिल्म के निर्देशन की जिम्मेदारी सुजीत के हाथों सौंपी गई है। वहीं हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषाओं में बन रही इस फिल्म को यूवी क्रिएशन और टी सीरीज के बैनर तले तैयार किया जा रहा है। आपको बता दें, बाहुबली फेम एक्टर प्रभास साहू फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रहे हैं, लेकिन दक्षिण के भाषाओं में निपुण प्रभास को हिंदी भाषा को लेकर काफी दिक्कतें आ रही है, जिसके लिए वो सटीक हिंदी भाषा सीखने के लिए खूब मेहनत कर रहे हैं। वहीं कुछ दिनों पहले फिल्म साहू से प्रभास के फर्स्ट लुक को भी जारी किया गया था, जिसे देखने के बाद उनके फैंस की उत्सुकता और बढ़ गई। वेल, 300 करोड़ की बजट में बन रही फिल्म साहू को पूरे देश की ऑडियंस के लिए बनाया जा रहा है, जिसे इस साल 15 अगस्त के खास मौके पर रिलीज किया जाएगा।